मार्केटिंग कंपनियों के कलेक्शन एजेंट से चार दिन पूर्व हुई 6,82,000 की लूट की घटना के लाइनर यानी खबरी को पुलिस ने लूट की राशि में मिले हिस्से के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रेडियंट कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 20 सितंबर के दिन बैंक में रुपए जमा कराने जाने के दौरान अपराध कर्मियों ने छपरा सीमान मुख्य मार्ग पर रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांडे छपरा गांव के समीप जान में गोली मार रुपए से भरा बैग लूट लिया था। कलेक्शन एजेंट उपेंद्र यादव एकमा बाजार स्थित फ्लिपकार्ट के 3 यूनिट से बिक्री की रकम लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। इस मामले में एसपी सारण संतोष कुमार ने बताया कि लूट की घटना के खुलासे और लूटी गई रकम के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। टीम को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। एसआईटी ने अपने अनुसंधान के सहारे बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए लूटकांड के लाइनर रसूलपुर थाना क्षेत्र के असनी निवासी घनश्याम कुमार उर्फ छोटन पासवान को लूट की रकम में से मिले 30,000 रुपए में से बचे 28,100 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लाइनर छोटन ने अपराधियों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। इसके बाद से एसआईटी अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। एसपी ने कहा कि शीघ्र ही बचे हुए अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। ये रसूलपुर थाना अंतर्गत पांडे छपरा में बीते दिनों 20 सितंबर को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक कलेक्शन एजेंट है उपेंद्र कुमार, जिसके जो 3 जगह से पैसा कलेक्ट करके जा रहे थे, रसूलपुर में एक बैंक में जमा करते थे, नियमित तौर पर वो ऐसा करते थे। इसी क्रम में जो है पांडे छपरा के पास लूट की घटना कारित की गई थी कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा। तो इस घटना के उद्भेदन के लिए विशेष टीम गठित की गई थी और उसके द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो लाइनर का काम किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके निशानदेही पर उसके हिस्से में जो पैसे आए थे उसमें से 28,100 रुपये की बरामदगी की गई है। साथ ही साथ सभी अपराधकर्मियों के बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रकार इस केस का उद्भेदन सफल हो गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शेष बचे हुए राशि की बरामदगी के लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। सर, इनके ऊपर और कोई मामला दर्ज? हाँ, इसके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है इसका। 2018 में भी 2 कांड दर्ज हैं। शराब के कांड में भी ये पूर्व में अभियुक्त रहे हैं और इनके जो ग्रुप के लोग हैं वो काफी, उनका भी आपराधिक इतिहास है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।